हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ वेज फ़िश करी। इसके लिए मैंने ये आलू और ये बैंगन फ़िश की तरह काटे हुए हैं, और ये मैंने रेड चिली का पेस्ट बनाया हुआ है। दो टमाटर लिए हैं और इसमें दो लौंग सौंफ मैंने पीस के रखी हुई है, तो ये जाएगी। अब मैं ले रही हूँ मैदा और थोड़ा सा इसमें फूड कलर डालूंगी। अच्छा, इस मैदे को ना बिल्कुल पतला पतला हम घोल रेडी करेंगे। बस इतना पतला रखेंगे और इसमें आलू और बैंगन को डिप कर देंगे और फ्राई करेंगे, जिससे कि कलर जो है वो पूरा फिश की तरह आएगा। ऑयल मैंने गरम कर लिया है और अब मैं डाल रही हूँ ये बैंगन और आलू। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इतना अच्छा कलर आया हुआ है, और मैंने रिफाइंड ऑयल निकाल के मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैं मेथी डाली, मैंने साबुत धनिया को हाथ से मैं इस तरह क्रश कर लूँगी, कलौंजी और ये जो रेड चिली थी वो मैंने घोल के इसमें डाल दी। इससे क्या होता है कि बड़ा अच्छा कलर सब्जी का आता है। और ये छोटे से दो चम्मच हैं मेरे हल्दी के। थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि हल्दी और मसाले जो हैं वो जल ना जाएं। और अब ये टमाटर जो मैंने मिक्सी में पीस लिए थे, अब इसको डाल के हम इसका ऑयल सेपरेट होने तक इसको भून लूँगी। और ये मैंने नमक डाल दिया। अब मैंने मैं डाल रही हूँ मीट मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला। इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर सब्जी में आएगा। आप ट्राई करेंगे मेरे बताए हुए, तब आपको पता चलेगा ये कितनी अच्छी और टेस्टी चटपटी सी सब्जी बनती है। और अब मैं डाल रही हूँ ये तले हुए आलू और बैंगन। स्लो आंच की है मैंने, और अब ये सौंफ और लौंग का जो पाउडर था वो मैंने ऊपर से डाल दिया है, और साथ में वो जो होता है ना जिंजर पाउडर वो डाला हुआ है। ढक्कन लगा के 5 मिनट का बॉयल दूंगी। देखिए मज़ेदार सी आलू बैंगन की सब्जी जो है वो रेडी है। जो नॉन वेजिटेरियन है वो देख ही रहे होंगे कि पूरी फिश की तरह लग रही है। तो जी अब सर्व कर लेते हैं। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ।